गाइस, आज के सड़े में आपको दो क्रीम के बारे में ऐसे कुछ जानकारी देने वाला हूँ, मतलब कि आपको इन दोनों में से कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए अपने चेहरे को गोरा करने के लिए, ताकि आपके जो पैसे ना बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और आपकी स्किन के ऊपर है ना उस क्रीम से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिले और आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना हो। तो आज के सड़े में आपको इस क्रीम के बारे में आपको कम्प्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। इस क्रीम के क्या यूज़ है, आपको इसको कैसे यूज़ में लेना है और आपको इसको ओरिजिनल कहाँ से खरीदना है, सारी जानकारी आपके वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखिए। गाइस, आपको पता होना चाहिए, वैसे मैंने गोरी क्रीम के ऊपर है ना पहले से काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की है। मैंने आपको गोरी डे नाइट क्रीम के बारे में बता रखा है, गोरी ब्यूटी क्रीम के बारे में बता रखा है और गोरी गोल्ड क्रीम के बारे में भी एक्चुअल में बता रखा है, जो कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी। बट बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि गोरी ब्यूटी क्रीम अच्छी है, गोरी गोल्ड क्रीम अच्छी है। हम यहाँ पे डे नाइट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डे नाइट जो क्रीम है वो अलग अलग कैटेगरी में आती है, वो ऑयली और सेंसिटिव स्किन के लिए होती है और उसका रिजल्ट भी थोड़ा कम आता है, आपको पता ही है। हम बात करेंगे ओनली गोरी ब्यूटी क्रीम के बारे में और गोरी गोल्ड क्रीम के बारे में, जो कि दोनों ही बहुत ही अच्छी क्रीम है। गाइस, आपको पता है जो गोरी जो पुरानी क्रीम है जो कि ग्रीन कलर की है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस क्रीम से ना बहुत सारे लोगों को रेडनेस की प्रॉब्लम होती है और बहुत से लोग नीचे कमेंट करते हैं कि मैं गोरी क्रीम को इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन इस क्रीम से ना मेरी स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ हो रही है। ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन है ना लड़कियों का होता है। कहीं से गोरी जो क्रीम ना हर किसी को सूट नहीं होती, मैंने आपको काफ़ी सारे वीडियोस में बता रखा है कि ये जो क्रीम है एक प्रकार की कॉस्मेटिक क्रीम है। बट अगर आप गोरी गोल्ड क्रीम को इस्तेमाल करते हो ना, ये भी कॉस्मेटिक की क्रीम है, ऐसा नहीं कि हर्बल है, बट ये गोरी ब्यूटी क्रीम से थोड़ी अच्छी है, इससे आपकी स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़ तो ये है कि रेडनेस, कहीं देखो आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस कब होने लगती है, जब आपकी स्किन पतली हो जाती है ना, तब आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस की प्रॉब्लम होती है। तो जरूरी नहीं कि रेडनेस की प्रॉब्लम हर सबको हो जाए, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना उनको ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रेडनेस की प्रॉब्लम होती है ना, तो आप गोरी डे नाइट क्रीम को इस्तेमाल कीजिए। वो क्या है कि आपकी स्किन को पतला नहीं करेगी, लेकिन जो गोरी ब्यूटी क्रीम है ये आपकी स्किन को थोड़ा बहुत पतला करती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सबकी स्किन करेगी, लेकिन किसी किसी की होती है इस क्रीम से स्किन पतली। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह की हेयर ग्रोथ ना हो, ना ही आपकी स्किन पतली हो और ना ही आपकी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट हो, तो आप गोरी गोल्ड क्रीम को इस्तेमाल कीजिए। एक क्रीम बहुत ही अच्छी है, जो कि आपके चेहरे को नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करेगी और इसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है गोरी ब्यूटी क्रीम से, अगर दोनों में कंपैरिजन की जाए तो। अगर आप अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी हेयर ग्रोथ ना हो, ना ही आपकी स्किन पतली हो और ना ही आपकी स्किन को एक्ने की प्रॉब्लम, तो आप गोरी गोल्ड क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो क्रीम आपके लिए काफ़ी अच्छी है और इसकी जो प्राइस है ना थोड़ी ज़्यादा है, ये आपको 30 ग्राम का जो पे आएगी आपको 400 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जो कि ठीक ठाक है। अगर आप इस क्रीम को ओरिजिनल बाय करना चाहते हो, तो मैंने स्क्रीन के ऊपर कंपनी के ऑफिस सेलर का नंबर दे रखा है, वहाँ से ना आप इस क्रीम को ओरिजिनल बाय कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो डिलीवरी ना ऑल इंडिया में अवेलेबल है, मतलब कि आप इंडिया से कैसे भी हो ना तो भी आप इस क्रीम को ऑर्डर कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन लोगों के पास।